करेंगे सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम. लास्ट क्लास में हमने देखा था सेकेंड ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो ध्यान से समझिएगा. ये हम एक सिस्टम लिए जो सेकेंड ऑर्डर बताए थे कि क्या होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स कितना नंबर ऑफ पोल तुम्हारे सिस्टम में प्रेजेंट है, दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पे टू पोल सिस्टम है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है. तो दिस इज तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम. अब क्लोज लूप है बच्चों, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जी एस बाई आर एस. क्या होता है, जी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस जी एस एच एस. What is the value of GS? GS क्या होता है? This is तुम्हारा GS. HS is feedback. Feedback का value क्या है? 1. HS का value क्या है? 1. Put this value of GS and HS in this transfer function. तो ये आ जाएगा तुम्हारा omega n square divided by S S plus 2 zeta omega n divided by 1 plus omega n square S S plus 2 zeta omega n into 1. Put कर दिए value. इस value को put करने के बाद हमारा C S by R S का value आएगा omega n square divided by S square plus 2 zeta omega n S plus omega n. This is हमारा transfer function. ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना. आफ्टर सॉल्विंग दिस हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगा. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास जितना भी ट्रांसफर फंक्शन का जो भी वैल्यू है वो तुम्हारा मोस्टली क्या होता है, पोल पर डिपेंड करता है. जितना भी फंक्शन निकालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पोल ऑफ द सिस्टम. तो पोल से हम लोग सिस्टम का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी तुम आगे और भी पढ़ोगे इन डिटेल्स क्या क्या वैल्यू पोल से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पोल से हम लोग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स, सिस्टम का स्टेबिलिटी, हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं. इसलिए जो डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द सिस्टम. क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0. दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. क्यों बोलते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, क्योंकि पोल जो होता है उसी पे सिस्टम का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है. और डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स. इसलिए इस पोर्शन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना. तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. हम लोगों को क्या निकालना, पोल कि इस ट्रांसफर फंक्शन का पोल का वैल्यू क्या है. ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका पोल का वैल्यू कैसे निकालना बच्चों, तो एस वन कॉमा टू विल बी इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए. ये होता है इक्वेशन. तो यहाँ पे माइनस बी क्या हो गया, देखो दिस इज तुम्हारा इक्वेशन कैसा होता है, ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस सी, ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी. देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से याद आ रहा है. बट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो डिनोमिनेटर क्या होता है, तुम्हारा वैल्यू डिक्रीज होते जाता है. ठीक है, दिस इज तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए. इसमें माइनस बी क्या हो गया, तो बी इज इक्वल टू टू जीटा ओमेगा एन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी विल बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज इक्वल टू 1. पुट दिस वैल्यू इन
एस वन कॉमा टू, इसमें जब तुम ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो जब हम ए बी सी का वैल्यू पुट किए तो एस वन कॉमा टू कम्स आउट टू बी माइनस थ्री माइनस टू सीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा फोर जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए इज वन वन सी इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए डिवाइडेड बाय टू। चलो कुछ कॉमन आ रहे थे, देखो यहाँ पे फोर और ओमेगा एन स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है, इसको अंडर रूट से बाहर ले लो क्या आएगा टू ओमेगा एन आ जाएगा, तो माइनस टू जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। क्या और कुछ कॉमन आ सकते हैं, यस टू कैंसिल, तो एस वन कॉमन टू का फाइनल वैल्यू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब देखो इसमें से हम थीटा को उधर लेना चाहते हैं वन का है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो एस वन कॉमन टू इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस वन को कॉमन लेंगे तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है बच्चों जे, तो प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, दिस इज तुम्हारा पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ये तुम्हारा पोल हो गया ट्रांसफर फंक्शन का। अब देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज और आता है, चलो लोकेशन ऑफ पोल हम लिख देते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड जीटा इज डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि ओमेगा एन क्या होता है, ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा एन, जिससे सिस्टम जंप करता है ना, मतलब सिस्टम जंप किसके वजह से करता है, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वजह से। जीटा क्या होता है, वही क्या करता है डैम्पिंग रेशियो, मतलब डैम्प आउट करता है जो भी तुम्हारा उछलने कूदने का प्रोबेबिलिटी होता है, जो सिस्टम में जो नेचर होता है ड्यू टू अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसको डैम्प आउट कौन करता है जीटा, ठीक है। कौन उसको खत्म करता है, कौन उसको खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीटा, उसी को क्या बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू जीटा हम पूरे क्लोज लूप सिस्टम को फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द जीटा ऑफ द सिस्टम डैम्पिंग रेशियो वी विल डिवाइड द क्लोज लूप सिस्टम इन फोर टाइप्स। तो ये फोर टाइप्स क्या क्या होता है बच्चों, तो ये फोर टाइप्स होता है, पहला अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प सेकेंड इज अनडैम्प सिस्टम, थर्ड इज क्रिटिकली डैम्प सिस्टम, एंड फोर्थ इज ओवर डैम्प सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द जीटा ऑफ द सिस्टम वी विल डिवाइड द सिस्टम इनटू फोर टाइप्स एंड दैट इज नोन एज अंडर डैम्प सिस्टम, अनडैम्प सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम एंड ओवर डैम्प सिस्टम, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा सिस्टम का चार टाइप। तो अब इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं अंडर डैम्प सिस्टम,
ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर एग्जाम सिस्टम में जीटा का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है 0 से 1 के बीच. द वैल्यू ऑफ जीटा इज वेरी बिटवीन. ओके, नाउ वी विल सी द लोकेशन ऑफ पोल अंडर डैम सिस्टम का कहां पे लाइ करता है. तो हमारा पोल क्या आया था बच्चों, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जी ओमेगा एन एट द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. सिंस द जीटा लाइ बिटवीन 0 से 1 के बीच लाइ करता है, तो हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि जीटा का क्या है. तो हम लोग इसी को क्या होगा, लोकेशन ऑफ पोल को ड्रॉ करते हैं. दिस इज हमारा लोकेशन ऑफ पोल फॉर अंडरडैम्प्ड सिस्टम. तो देखो रियल पार्ट कितना है, जीटा ओमेगा है, तो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज जीटा ओमेगा एन, सम व्हाट कहीं यहाँ पे आएगा. ये कितना इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट कितना है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों में इसका वैल्यू. तो चलो दिस इज कहीं सम व्हाट यहाँ पे आएगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. सम व्हाट कहीं यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगा, इसको हम बढ़ा लेते हैं एंड देन इसको बढ़ाते हैं. ये जो वैल्यू आया ये हमारा क्या आया, लोकेशन ऑफ पोल. सिमिलरली इसको बढ़ाएंगे एंड इसको बढ़ाएंगे. दिस इज हमारा लोकेशन ऑफ पोल. ठीक है, ये है हमारा लोकेशन ऑफ पोल. अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो ये जो लोकेशन ऑफ पोल आया है इस वैल्यू से एक रेडियस लेंगे. दिस इज हमारा रेडियस. ठीक है, और इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें. ठीक है, कुछ ये आया. तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इस रेडियस का वैल्यू क्या है. तो ये वाला एंगल इज फाई, इसका मतलब फाई. इसको हम नेमिंग कर दी ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. अब हमको फाइंड आउट करना है ए सी. दिस इज एच, दिस इज पी, दिस इज बी. तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एच. तो क्या लिख देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच स्क्वायर क्या है बच्चों, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. वी नो द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी. हम लोग ए बी और बी सी का वैल्यू जानते हैं, पुट कर देते हैं. ए बी कितना है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है बच्चों, जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व करो इसको. ओमेगा एन का स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जीटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर. तो ए सी का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर. ए सी का वैल्यू होगी ओमेगा. तो ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस इज हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये आ गया ओमेगा. अब तुमको अगर साइन निकालना है तो तुम इस ट्रायंगल में तुमको सब चीज में है, ए बी भी पता है, बी सी भी पता है, ए सी भी पता है. तुम किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो. यू कैन यूज कॉस फाई, साइन फाई, टैन फाई, कुछ भी यूज कर सकते हो. तो चलो हम निकाल लेते हैं सारे वैल्यूज. तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस फाई. तो कॉस फाई क्या होता है, बी बाई एच. बी कितना है यहाँ पे, बी सी. एच कितना है, ए सी. बी सी का वैल्यू क्या है बच्चों, जीटा ओमेगा एन. ए सी क्या है, ओमेगा एन. कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा जीटा. कॉस फाई इज इक्वल टू जीटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. ये सारा वैल्यू तुमको यूज होगा न्यूमेरिकल में. ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा कॉस फाई. नेक्स्ट साइन आउट करो साइन फाई. नेक्स्ट साइन फाई, साइन फाई इक्वल टू पी बाई एच. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, ए बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, ए सी. ए बी बाई ए सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ए सी इज ओमेगा एन. ओमेगा एन, ओमेगा एन से कैंसिल हो गया. तो साइन फाई क्या आया पूछो, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाई जीटा. ओ नो नो नो, ओके
by bc, तो p का वैल्यू क्या है, ab, b का वैल्यू क्या है, bc, ab by bc, ab कितना बच्चों, ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, bc कितना है, जीटा ओमेगा n, ओमेगा n ओमेगा n कैंसिल, tan sin क्या है, tan phi is equal to under root 1 minus zeta square by zeta. तो तुम किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सके zeta और phi का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. cos phi यूज करो, sin phi यूज करो, tan phi, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये था तुम्हारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम. दिस इज तुम्हारा अंडर डैम्प्ड. अब हम लोग निकालते हैं टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, बताए हैं, इनवर्स लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द पोल, इनवर्स लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द पोल. तो ये है हमारा पास पोल का वैल्यू, दिस इज हमारा लोकेशन ऑफ पोल. तो इनवर्स लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द पोल, तो टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 1 बाय रियल पार्ट कितना है, जीटा ओमेगा है. तो दिस इज हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम. एंड व्हाट इज सेटलिंग टाइम, तो सेटलिंग टाइम डिपेंड करता है कि एरर बैंड हम क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम सिस्टम का सेटलिंग टाइम डिपेंड करता है. तो यहाँ पे अगर हम एरर बैंड 2% लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2% एरर बैंड लेंगे, फॉर 2% एरर बैंड, फॉर 2% एरर बैंड सेटलिंग टाइम क्या हो जाएगा, 4 tau. तो इस सिस्टम के लिए 4y जीटा ओमेगा एन इज द सेटलिंग टाइम फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, डिपेंड अपॉन द एरर बैंड ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एरर बैंड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि सिस्टम कहाँ सेटल कर रहा है. और तुम टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, इनवर्स लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द पोल, रियल पार्ट का जो भी इनवर्स लोकेशन हुआ दैट इज तुम्हारा टाइम कांस्टेंट. और सेटलिंग टाइम इज डिपेंड करेगा एरर बैंड कितना लिए. ठीक है, नाउ मूव करते हैं इसके रिस्पॉन्स में. नाउ देखेंगे बच्चों की सिस्टम का रिस्पॉन्स कितना है. तो ये हमारे पास लोकेशन ऑफ होम. इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है. ठीक है, रियल पार्ट जो होता है, ध्यान से समझना, रियल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल. अगर सिर्फ सिस्टम में रियल पार्ट है तो वो जो ग्राफ होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोनेंशियल पोर्शन. मतलब ये जो रियल पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इमेजिनरी पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस साइनोसॉइडल का. ठीक है, जो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस sinusoidal term, and this real part is responsible to produce exponential term. ठीक है, तो इसका जब graph draw करते हैं ना, इसको हम explain करेंगे आगे in details कि कैसे graph आता है, but फिलहाल के लिए इसमें real ही है और imaginary दोनों part है, इसीलिए इस system का जो graph आता है somewhat कुछ ऐसा है. अगर हम यहाँ पे settling time तो सिस्टम कहीं जाके 2% एरर बैंड पे सेटल कर जाएगा, क्योंकि हमें सिस्टम का मान के चले कि 2% एरर बैंड है, तो सिस्टम विल सेटल एट 2% ऑफ एरर बैंड. ठीक है, अगर इसका मान लो प्रैक्टिकल एग्जांपल कहीं लो, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ये कि एक एमीटर हमारा जिसका मिनिमम रीडिंग है 0 एम्पीयर और मैक्सिमम है 20 एम्पीयर. ठीक है, हम लोग को कहीं 10 एम्पीयर करंट किसी डिवाइस का मेजर करना है. तो मान लो ये नीडल है, दिस नीडल, और ये 10 एम्पीयर है, तो क्या ये नीडल डायरेक्टली 10 एम्पीयर पे आ जाता है, नहीं. ये नीडल कैसे मूव करता है, तो देखो कुछ ऐसा इसका फ्लक्चुएशन होता है और उसके बाद इसका रिस्पांस इतना स्लो सेटल नहीं करता, उसका रिस्पांस इतना मूव करते 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 इतना स्लो होता है कि हम लोग को लगता है कि 10 एम्पीयर पे सेटल कर गया और हम रीडिंग ले लेते हैं 10 एम्पीयर. लेकिन होता क्या है कि ये ऐसे 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 फ्लक्चुएट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, जाके कहीं बहुत स्लो हो जाता है, एंड वी कैन टेक द रीडिंग. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम.
ये तुम्हारे अंडर डैम्प सिस्टम का एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हमारा अंडर डैम्प सिस्टम। अब देखो हमारे पास दो टाइप का एनालिसिस होता है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं टाइम डोमेन एनालिसिस, एक दूसरा हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा टाइम डोमेन एनालिसिस है और कौन सा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है? तो ध्यान से देखो, ठीक है, मान लो फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा या ओमेगा, किसी वैल्यू के लिए तुम्हारा लोकेशन ऑफ पोल समवॉट यहां, ठीक है, तो इसका जीटा इज 5, दिस इज 5। मान लो फिर से तुम चेंज के वैल्यू है, तुम्हारा लोकेशन ऑफ पोल समवॉट यहां पे है, फिर तुम वैल्यू चेंज किए, लोकेशन ऑफ पोल समवॉट यहां है, तो क्या लोकेशन ऑफ पोल के लिए 5 चेंज हो रहा है? क्या लोकेशन ऑफ पोल के लिए 5 चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। तो यहां पे 5 तुम्हारा क्या हुआ? कॉन्स्टेंट। और अभी हम वैल्यू निकाले थे cos phi का, क्या होता है बच्चों? cos phi is equal to zeta। If phi is constant, क्या zeta change होगा? अगर तुम्हारा phi constant है तो क्या zeta change होगा? नहीं change होगा। तो यहाँ zeta क्या है? Constant। Zeta is constant। ठीक है, vary क्या कर रहा है बच्चों? तो ये axis के वैल्यू को vary कर रहा है। ये axis पे कौन सा वैल्यू vary कर रहा है? तो omega n। तो यहाँ पे कौन वेरिएबल है? ये ओमेगा एन क्या होता है? अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है? ओमेगा एन। तो जब भी ओमेगा एन वेरिएबल हो और जीटा कांस्टेंट, तो ऐसे एनालिसिस को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो टाइम डोमेन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो जब भी इस तरह से वेरिएशन हो पोल का, लोकेशन ऑफ पोल का इस एक्सिस में, तो दैट इज हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। नेक्स्ट मान लो किसी वैल्यू की वजह से लोकेशन ऑफ पोल यहाँ, फिर हम चेंज किए उस वैल्यू को, तो लोकेशन ऑफ पोल यहाँ पे है, फिर हम चेंज किए वैल्यू को, तो लोकेशन ऑफ पोल यहाँ पे है। तो देखो इस वैल्यू के लिए 5 ये हो गया, इस वैल्यू के लिए 5 ये हो गया, और इस वैल्यू के लिए 5 क्या हो गया? दिस। ठीक है, बट देखो ओमेगा एन रेडियस क्या हो रहा है? समझेगा तुम्हारा भाई, ओमेगा एन तो वेरी नहीं कर रहा ना, क्या चेंज कर रहा है? 5। तो 5 यहाँ क्या हो गया? वेरिएबल। 5 वेरिएबल है तो जीटा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। और जहां पे तुम्हारा जीटा और 5 वेरिएबल होता है, तो इस टाइप के एनालिसिस को हम बोलते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस। ठीक है, ये एनालिसिस को हम बोलते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस। तो अब तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा ना कि फ्रीक्वेंसी डोमेन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, टाइम डोमेन को कैसे। तो थर्ड हमारा सिस्टम है क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। तो फॉर क्रिटिकली डैम्प जीटा का वैल्यू बच्चों 1 होता है। For critically damped system, zeta will be equal to 1. तो हमारे पास location of pole क्या है? Minus zeta omega n plus minus g omega n under root 1 minus zeta square. In this location of pole, put zeta equal to 1. For critically damped system, जब हम zeta 1 put करते हैं, तो यहाँ पे 1 minus 1 0 means imaginary part हमारा क्या हो गया? 0. सिस्टम अच्छा s 1 comma 2 is equal to माइनस ओमेगा एन। देखो इमेजिनरी पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? इमेजिनरी पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस साइनोसॉइडल टर्म एंड रियल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ टर्म। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ही तुम्हारा क्या है? एब्सेंट है। तो क्या यहाँ पे कोई ऑसिलेशन होगा? नहीं, यहाँ पे कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? तो टाइम कांस्टेंट इज इनवर्स लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है? रियल पार्ट मतलब पोल विल लाई एट रियल एक्सिस ऑन सेम लोकेशन।
ये 1, 2 दोनों कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों पोल मिला है एंड माइनस ओमेगा है, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा एस। और फॉर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम कोई भी ऑसिलेटरी पार्ट हमारा प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका ग्राफ आता है बच्चों काइंड ऑफ, द ग्राफ ऑफ दिस सिस्टम इज काइंड ऑफ दिस। तो अगर हम यहाँ पे सेटलिंग टाइम 2% लें, तो TS फॉर 2% एरर बैंड, यहाँ पे 2% का एरर बैंड है, तो फॉर 2% एरर बैंड यहाँ सेटलिंग टाइम अभी तक हम पढ़े थे दैट विल तुम्हारा 4 tau, बट फॉर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम द सेटलिंग टाइम विल बी 6 tau, मीन्स यहाँ पे आ गया तुम्हारा 6/ओमेगा एन सेटलिंग टाइम होगा 2% एरर बैंड के लिए ओनली फॉर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। कैसे आता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम क्रिटिकली डैम्प सिस्टम को डिटेल से देखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। ये क्यों नहीं आया यहाँ पे ऑसिलेटरी पार्ट, क्योंकि ऑसिलेटरी पार्ट किस वजह से आता है, इमेजिनरी पोर्शन की वजह से, और इमेजिनरी पोर्शन है क्या है, जीरो है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रियल पार्ट प्रेजेंट है। तो ये तुम्हारा क्रिटिकली डैम्प सिस्टम जीटा इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 4th नंबर में ओवर डैम्प सिस्टम। क्या है ओवर डैम्प सिस्टम, तो फॉर ओवर डैम्प सिस्टम जीटा इज ग्रेटर देन 1। किसी भी ओवर डैम्प सिस्टम के लिए जीटा क्या होता है 1। तो इसका लोकेशन ऑफ पोल क्या होगा, तो हमारे पास लोकेशन ऑफ पोल है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। देखो यहाँ पे जीटा क्या है 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो अंडर रूट वाला टर्म्स है सिर्फ भी निगेटिव, क्योंकि 1 से ज्यादा है ना, तो 2, 3, 4 कुछ भी ले लो, तो ये अंडर रूट में क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पहले ही माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर तुम इस वैल्यू से माइनस को कॉमन लोगे तो अंडर रूट माइनस 1 आएगा, अंडर रूट माइनस 1 इज व्हाट जे, तो जे इंटू जे इज व्हाट जे स्क्वायर, मतलब तुम्हारा यहाँ पे अब क्या हो गया इमेजिनरी पोर्शन खत्म। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ पोल क्या जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हम क्या किया माइनस 1 को कॉमन लिए, अंडर रूट माइनस 1 इज जे, जे का जे इंटू जे जे स्क्वायर, तो तुम्हारा टर्म कुछ आएगा ये। तो क्या इस लोकेशन ऑफ पोल में कोई भी इमेजिनरी पार्ट है, नहीं है, इमेजिनरी पार्ट इज एब्सेंट, यहाँ सिर्फ क्या है रियल पार्ट, ठीक है। तो अगर तुम इसका ग्राफ मतलब आउटपुट रिस्पॉन्स ड्रॉ करोगे फॉर ओवर डैम सिस्टम, तो क्या कोई भी ऑसिलेटरी पोर्शन आएगा, क्या कोई साइनोसॉइडल टर्म आएगा, नहीं आएगा कोई भी साइनोसॉइडल टर्म, क्योंकि साइनोसॉइडल टर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है इमेजिनरी पोर्शन, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है जीरो, यहाँ सिर्फ क्या है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोनेंशियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस साइनोसॉइडल वेव, तो यहाँ कोई भी साइनोसॉइडल टर्म नहीं आएगा। चलो पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास 2 टर्म है, रियल है बट डिफरेंट लोकेशन, रियल बट एट डिफरेंट लोकेशन। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, तो मान लो एक यहाँ पहुंचेगा एक यहाँ कहीं आएगा, तो दिस इज तुम्हारा T1 दैट विल बी इक्वल टू, चलो फोर को पहले ड्रॉ कर दो, दैट इज तुम्हारा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, प्लस वाला तुम्हारा नियर बाय इमेजिनरी एक्सिस रहेगा, माइनस वाला तुम्हारा दूर रहेगा। तुम कैलकुलेट कर लो, इतना मानो से माइनस 2 ले लो, इसको 1 ले लो, तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, तो माइनस वाला पोर्शन इज इधर एंड प्लस वाला पोर्शन इज इस साइड, ठीक है। तो ये हम लोकेशन ऑफ पोल को ड्रॉ कर दिए, अब टाइम कांस्टेंट निकालोगे, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है इनवर्स लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द पोल। तो यहाँ पे 2 टाइम कांस्टेंट आएगा, यहाँ तुम्हारा 2 टाइम कांस्टेंट आएगा, तो चलो एक को हम लेते हैं T1, सेकेंड को हम लेते हैं T2,
तो T1 is inverse location of real part of pole, तो 1 by inverse location of real part of the pole, but क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये minus sign को common ले लो, this minus sign को common ले लो, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? Magnitude लेते हैं ना, तो एक value आ जाएगा तुम्हारा zeta omega n minus of omega n under root zeta square minus 1, दूसरा time constant होगा 1 by zeta omega n plus omega n under root of zeta square minus 1. तो ये हमारे पास दो time constant आ गया. According to this two time constant, हमारे पास settling time जो होगा वो depend करेगा दोनों time constant के value पे. ठीक है? तो this is T1, this is T2. ये क्या है तुम्हारा? घट रहा है ना, this time constant is कम हो रहा है और ये plus हो रहा है, तो इसका क्या होगा value? T1 by कम का value ज्यादा होगा ना, 1 by ज्यादा का value इसका, तो T1 is greater than T2. तो अब settling time तुम किसके according होगे? यहाँ दो time constant है और T1 ज्यादा है, obviously तुम calculate करके देखे ना, ना कुछ भी value देखे, T1 ज्यादा है, T2 क्या है? कम है. तो अब settling time किस पे depend करेगा बच्चों? तो देखो ध्यान समझो, settling time मान लो कि तुम्हारे पास कोई दो स्टूडेंट्स है, वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो एक साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का एक साथ पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं. ए जो है वो फास्ट है, कंप्लीट करता है बी से. तो ए फास्टर है और बी क्या है? स्लोअर है. ए जो है वो फास्टर है, बी क्या है? स्लोअर है. तो ये खत्म करके बी के लिए वेट करेगा ना, ए अपना खत्म करके बी के लिए वेट करेगा कि उसका जब खत्म होगा तब जाके तो सिस्टम सेटल होगा, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे सेटलिंग टाइम किस पे डिपेंड करेगा? तो सेटलिंग टाइम उस पे डिपेंड करेगा जिसका रिस्पॉन्स स्लोअर है. तो जिसका टाइम कॉन्स्टेंट कम होता है बच्चों, जिसका टाइम कॉन्स्टेंट कम होता है वो जल्दी तुम्हारा आउटपुट मतलब जल्दी रीच करता है. रिस्पॉन्स उसका क्या होता है? फास्टर होता है. जिस भी चीज का, जिस भी सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट कम होता है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? फास्टर होता है. तो अगर टाइम कॉन्स्टेंट कम है तो रिस्पॉन्स तुम्हारा ज्यादा है. तो यहाँ पे जो भी स्लोअर टाइम कॉन्स्टेंट किससे कम है? T2 का. तो इसका रिस्पॉन्स ज्यादा होगा और इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? स्लोअर होगा. तो सेटलिंग टाइम किस पर डिपेंड करेगा? स्लोअर वाले पे ना, क्योंकि स्लोअर वाला खत्म करेगा तब तो फिर नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा. तो जो सेटलिंग टाइम ऑफ द सिस्टम है वो डिपेंड करता है स्लोअर वाला चीज पे, है ना. तो यहाँ पे तुम्हारा स्लोअर रिस्पॉन्स कौन करेगा? T1, क्योंकि इसका टाइम कॉन्स्टेंट क्या है? ज्यादा है. तो जिसका टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है उसका रिस्पॉन्स स्लोअर होता है, जिसका टाइम कॉन्स्टेंट कम होता है उसका रिस्पॉन्स फास्टर होता है. तो देखो जिसका भी टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? स्लोअर होता है. रिस्पॉन्स क्या होता है? स्लोअर रिस्पॉन्स होता है. तो सेटलिंग टाइम किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? तो सेटलिंग टाइम डिपेंड करेगा स्लोअर रिस्पॉन्स, स्लोअर सिस्टम पे. क्योंकि जो फाइनल सेटलमेंट होगा सिस्टम का, मान लो जो फास्टर है वो पहले पहुंच गया बट जो स्लोअर है वो ज्यादा टाइम लगा रहा है. तो ज्यादा टाइम लगाएगा तो लिमिट में पहुंचेगा. तो जो तुम्हारा पूरा जो सिस्टम है वो डिपेंड करेगा कि फाइनल सेटलमेंट कहाँ पे हो रहा है, फाइनल सेटलमेंट ऑफ द सिस्टम कहाँ हो रहा है. तो उसको रुकना पड़ेगा स्लोअर वाले सिस्टम के लिए. तो यहाँ पे सेटलिंग टाइम किस पे डिपेंड करेगा? जो तुम्हारा स्लोअर रिस्पॉन्स कर रहा है. स्लो कौन रिस्पॉन्स करेगा बच्चों? जिसका भी टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा. ऑब्वियसली जिसका टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा उसका सेटलिंग टाइम ज्यादा होगा, है ना. तो यहाँ पे स्लोअर रिस्पॉन्स जिसका होगा उस पर हमारा सेटलिंग टाइम डिपेंड करेगा. स्लोअर रिस्पॉन्स उसका होता है जिसका टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है. तो सेटलिंग टाइम इस पर डिपेंड करता है 4T1 पे, क्योंकि इसका क्या है? रिस्पॉन्स स्लोअर. क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को. ओवरडैम सिस्टम है क्योंकि लोकेशन ऑफ पोल क्या है? दो अलग अलग लोकेशन पे है. तो तुमको देखना पड़ेगा कि सेटलिंग टाइम किस पे डिपेंड करेगा. ठीक है? तो अब देखो ये ओवरडैम सिस्टम में भी क्या कोई इमेजिनरी पार्ट है? नहीं है. तो अगर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो सिस्टम में क्या कोई साइनोसॉइडल टर्म एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा. तो यहाँ
तो यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट रिस्पॉन्स कैसा आएगा बच्चों? सेम एज क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम बट सेटलिंग टाइम विल बी 4 tau फॉर 2% एरर डैम्प्ड, जबकि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में 2% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम क्या था 6 tau, बट यहाँ क्या हो जाएगा 4 tau और यहाँ क्या लगेगा 4 tau 1। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरव्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ जीटा। तो ये हम 4 टाइप ऑफ जीटा के लिए सारा टाइप ऑफ सिस्टम देख लिए, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए कि कैसा आउटपुट रिस्पॉन्स आता है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि आउटपुट रिस्पॉन्स ऐसा क्यों आ रहा है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो बच्चों तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना रखते हैं।